हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, आज मैं अल्टरनेटिंग करंट का एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, दैट इज द चौक कॉइल। चौक कॉइल क्या है? ये प्रकार का इंडक्टर है हुज रेजिस्टेंस इज लो एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज हाई। सेल्फ इंडक्टेंस को एक्सएल बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक सर्किट है जिसमें आपने एक 100 वॉट का बल्ब लगा रखा है, या मान लीजिए इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, और इधर से आप मान लीजिए इस पर मैंने एक V = V0 sin omega t का वोल्टेज सप्लाई कर रखा है, एक सोर्स वोल्टेज लगा रखा है जिसकी वैल्यू 220 वोल्ट है। तो अगर मान लीजिए 220 वोल्ट का करंट यहां पर इस बल्ब के पास जाएगा, जो कि 100 वोल्ट का करंट ही अज्यूम कर सकता है, तो ये बल्ब तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसकी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में दो तरीके होते हैं। या तो आप इसमें रेजिस्टेंस लगा दें, आप रेजिस्टेंस का अप्लाई कर दें। तो अगर रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस इससे जो प्रोड्यूस पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को खाना स्टार्ट कर देगा, और यहां पर इसको 100 वोल्ट चाहिए था, वो 100 वोल्ट उसको पहुंचाएगा और मैक्सिमम जो एनर्जी है वो उसको यहां पर कंज्यूम करेगा, और उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो हीट एनर्जी के रूप में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कोई एक बेस्ट अप्रोच नहीं है कि किसी भी सर्किट में हम वोल्टेज को कम करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज करें, क्योंकि हम रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उस वोल्टेज को हीट एनर्जी के रूप में कंज्यूम कर रहा है और वो वेस्ट कर रहा है। तो बेटर अप्रोच क्या है कि बेटर अप्रोच में हम रेजिस्टेंस की जगह हम यूज करेंगे कॉइल। तो जैसे ही आप कॉइल यूज करेंगे तो ये बल्ब भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और ये LR सर्किट बन जाएगा। तो LR सर्किट बनते ही इसका जो इम्पीडेंस है, इसका इम्पीडेंस का मतलब क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से इस बल्ब को उतना ही पोटेंशियल मिलेगा जितना पोटेंशियल इसको चाहिए, क्योंकि अब ये दोनों मिलके इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाई कर देंगे, क्योंकि इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z = R² + X² XL² तो ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के केस में हम क्या कर रहे थे, केवल एक रेजिस्टेंस यूज हो रहा था, और यहां सेल्फ इंडक्टेंस के केस में क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस यहां पर देखिए R² + X² इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है। तो इस प्रकार के रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस बोल देते हैं। तो अगर हम IRMS के साथ इसको कंपेयर करें तो IRMS = ERMS / Z, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर वोल्टेज का वैल्यू कम हो रहा है जिसकी वजह से करंट का प्रॉपर सप्लाई हो पाएगा। दूसरा देखें कि जब भी R और L यानी कि रेजिस्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है, वो जो फेज रिलेशन होता है, वो 90 का होता है, और इसका जो रिलेशन होता है एवरेज पावर का, एवरेज पावर जो इसकी निकल के आती है IRMS ERMS cos phi। तो आपने ये जान पड़ रखा है कि जो रेजिस्टेंस है और सेल्फ इंडक्टेंस है ये किस फेज एंगल से इसको लीड करता है, तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो π/2 से इसको लीड कर रहा होता है करंट को, जिसपे एंगल हो रहा होता है पाई की वैल्यू होती है π/2। तो अगर cos पाई की वैल्यू यहां पर हम π/2 यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होने से क्या होगा, जो एवरेज पावर है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि LR सर्किट में एवरेज पावर तो होती नहीं है। तो एवरेज पावर का मतलब क्या है कि कोई भी LR सर्किट यूज किया जा रहा है तो वो किसी भी तरीके से एनर्जी का लॉस कर ही नहीं सकता है। तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो ये बेटर अप्रोच होती है कि किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह हम क्या यूज करें, कॉइल यूज करें, जो उसके सेल्फ इंडक्टेंस की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम अपने अप्लायंस को प्रॉपर वोल्टेज दे पाते हैं। थैंक यू सो मच।